स्वाभाविक, हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से जिस प्रकार से मिले हैं नीतीश जी, वो अरे नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है संयुक्त राष्ट्र संघ को के, जो अमित शाह जी को नसीब नहीं हुआ है, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को नसीब नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 तारीख और 12 तारीख को अपने आवास एक अन्य मार्ग पर बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम मंत्री रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, प्रखंड अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत करेंगे। पार्टी किस तरीके से जो है 2024 लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार करे, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर फीडबैक भी नीतीश कुमार अपने उन नेताओं से लेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, भाईचारा यात्रा हो या अलग अलग यात्राओं के माध्यम से, ललन सिंह की अगर बात की जाए तो ललन सिंह भी जो है इन दिनों जनसंवाद जो है जनता से कर रहे थे, और आज पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। पार्टी के जो बिहार सरकार में कई मंत्री हैं और जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष से बैठक पहले से प्रस्तावित थी, 11 और 12 तारीख को ये बैठक होना था, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग में ये बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड के कई MLC सह प्रवक्ता भी जो हैं तमाम लोग शामिल हुए हैं। नीरज कुमार जो है वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, MLC भी हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं, और उन्होंने बताया है किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड कितनी मजबूत हुई है और क्या कुछ फीडबैक उनके जो नेता है वो देंगे, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि आने वाले 13 तारीख को इंडिया की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है वो 13 तारीख को होने जा रही है, और 13 तारीख से पहले तमाम पार्टियां अपना जो है वो कहा जाए कि सीटों का जो लिस्ट है वो सौंपेगी कि कितने सीट पर कौन लड़ेगा। कहीं ना कहीं इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और यह फीडबैक लेने में आसानी होगा कि क्या कुछ कैसे कितने सीटों पर JDU लड़ेगी, RJD लड़ेगा। यह सीट का फॉर्मूला है, 13 तारीख को शरद पवार के जो आवास है वहाँ पर बैठक होना है, कल देर शाम डिप्टी CM तेजस्वी यादव वहाँ के लिए रवाना भी होंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बैठक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि जो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के वो अंदर जाने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, इस बयान को सुनिए। क्या चर्चा होगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसके पूर्व भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षदों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की बैठक, अब संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। तो ये पार्टी की है, जो हमारा कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और वही हमारी पूंजी के बदौलत हम लगातार अपने काम को संपादित करते हैं। एक सामान्य बैठक जो होता है औपचारिक बैठक है। 24 को लेकर के भी चूंकि चुनाव स्वाभाविक है ना, 24 का लोकसभा चुनाव है, तो हम विपक्ष की आवाज़ है, हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो हमने जो काम किया है और जो आजकल कॉल सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं कि दो लोकसभा पर, तो जॉब सेंटर खोलिए ना। ठीक, RJD की तरफ से भी बैठक हो रही है, कहा हम लोग भी तैयार हैं चुनाव के लिए। स्वाभाविक, हर राजनीतिक दल तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री से जिस प्रकार से मिले हैं नीतीश जी, वो अरे नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है संयुक्त राष्ट्र संघ को के, जो अमित शाह जी को नसीब नहीं हुआ है, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को नसीब नहीं है, तो नीतीश कुमार जी का मिलना इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ थोड़े ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्लाइमेट लीडर हैं, भाजपा के कोई मुख्यमंत्री को तकदीर में ये नसीब नहीं हुआ। ठीक।